वेलकम टू निक्स वी टीवी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी कि जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, किस तरीके से उसको हम हेल्दी रख सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं, प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में रख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस आसान से तरीके को, जिससे कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो हमारा पहला जो काम हमें करना चाहिए हमेशा खाना खाते वक्त, खाने को बहुत ही आराम से खाना चाहिए, बिना जल्दबाजी के खाना चाहिए और कम से कम उसको 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। उससे ये होगा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेहनत कम करनी पड़ेगी। उसी तरीके से हमें जो भी खाना चाहिए वो स्मॉल क्वांटिटी में ले लेके खाना चाहिए। फ्रीक्वेंटली आप दिन भर में 2-3 बार लीजिए, लेकिन थोड़े थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए। और उसके बाद कोशिश करिए कि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को एज एन रॉ जितना ले सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड नहीं लेना है, रॉ लेना है। फ्रूट्स को भी ज़्यादा चीज़ों के साथ अगर आप मिक्स करके खाएंगे उससे बेटर ये है कि आप उसको एज एन कच्चा खाइए। जो भी चीज़ें हैं आप उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना हो सके उसको रॉ फॉर्म में लीजिए, जैसा वो मिलता है वैसे ही खाइए, तो वो आपको ज़्यादा असर करेगा। और जो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी बॉडी के लिए होती है वो है पानी। आप ढेर सारे अमाउंट में पानी पीजिए, लेकिन हाँ प्यास के अकॉर्डिंग पीजिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती पिए चले जा रहे हैं, ज़्यादा का मतलब ये नहीं होता, पर्याप्त मात्रा में जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना पानी आप रेगुलर पीजिए, ताकि अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो उससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना जो है वो ईज़िली आपका डाइजेस्ट होगा, उसको हेल्प मिलेगी आपके बॉडी से जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए। तो ये सारा काम पानी ही अकेले कर सकता है, तो पानी अच्छे से पीजिए। उसके बाद प्लीज़ अपने मेटाबॉलिज्म को, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से वर्क करे, तो रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहिए। ये नहीं कि एक चेयर पकड़ लिया, एक बेड पकड़ लिया और उसके बाद हिलना ही नहीं है, तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होने लगेगा, आपका जो खाना है वो जल्दी से पचेगा नहीं, इनडाइजेशन होने लगेगा, हार्ट बर्निंग होने लगेगी, आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो बेटर यही है कि थोड़ा मेटाबॉलिज्म बढ़ाइए, एक्सरसाइज करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पेट में एसिडिटी ना बने, आपके पेट में गैस ना बने, आपके पेट में जो भी पेन होता है गैस और एसिडिटी बनने की वजह से, जो जलन होती है, हार्ट बर्निंग होती है, वो सब ना हो, तो उसके लिए आपको वो सारे खाने नहीं खाने हैं जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, यानी कि आपको जंक्स फूड, हाईली ऑयली प्रोडक्ट्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें अपने डाइट से एक्सक्लूड कर दीजिए, हटा दीजिए। क्योंकि आप जितना ज़्यादा मैदे वाला आइटम खाएंगे, जितना ज़्यादा बर्गर, चीज़, पिज़्ज़ा ये सब खाएंगे, ये सब बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी, हार्ट बर्निंग, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और लास्ट में ये बात तो समझ ही लीजिए कि अल्कोहल, शराब, बियर और ये जो सिगरेट स्मोकिंग आप लोग करते हैं, ये तो सभी को पता है कि कितना हेल्थ के लिए नुकसान करता है। तो जैसे कि आप समझते हैं, लीवर को ही नहीं, स्टमक को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ख़राब करता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी हेल्थ के लिए अनहेल्दी होती हैं उन्हें छोड़ दीजिए, और ऐसा करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। तो अगर आपको हेल्दी होना है तो ये सारे डाइट की शेड्यूल अपने रेगुलर डाइट में यूज़ करिए, और फिर देखिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। तो अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको मेरी बताई हुई बातें इस वीडियो में समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये सारी वीडियो में कही हुई बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि हम जो भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस और आपके अच्छे के लिए जो भी वीडियोस हम लेके आते हैं वो आप तक इमीडिएटली पहुंच सके। थैंक यू सो मच।